चलिए माइक्स ऑफ कीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग टू कन्फेशन स्टेटमेंट की बात की जा रही है, डायरेक्टली कन्फेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर दो चीजें का इस्तेमाल किया गया है, वन इज कन्फेशन, अदर इज स्टेटमेंट। तो ये दोनों जो है, क्या ये दोनों अलग अलग है? कन्फेशन अलग होता है, स्टेटमेंट अलग होता है, क्या होता है? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कन्फेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम उस हिसाब से आपको समझाते हैं कि कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, क्या वो कन्फेशन है? क्या जो पुलिस के सामने दिया जाता है वो स्टेटमेंट है? तो दिस, ये जो 164 का स्टार्टिंग ही है, जहां पर आप लोग देखेंगे कि दो वर्ड्स का इस्तेमाल है, एक है कन्फेशन, दूसरा है स्टेटमेंट। तो हमें तो पता है कि 164 का स्टेटमेंट जब चलता है, हर कोई भी लॉयर होने दीजिए, सभी को पता होता है कि वह 164 जब चलता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? 164 जब चलता है तो क्या होता है? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चलती है, डोर्स को लॉक किया जाता है, और जो स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट के सामने आया हुआ आता है उसी को अंदर भेजा जाता है। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि अगर हम 164 समझते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, JMFC। यहाँ पर क्या होती है? कन्फेशन रिकॉर्ड होती है, जो कि JMFC आप करते हैं, ठीक है। द वर्ड कन्फेशन ऐसा है कि जब हम कन्फेशन, एनी कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब है कोई भी कन्फेशन, स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट। तो विटनेस ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। एक तो जब विटनेस हम लोगों को पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट देता है, और एक विटनेस जो है कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देता है, ठीक है। अब इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? मैजिस्ट्रेट जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? अक्यूज अगर गिल्टी है तो वो एविडेंस में, अगर हमने सेक्शन नंबर 25 कुछ पढ़ा है एविडेंस एक्ट का, तो आप कनेक्शन बिल्कुल बना सकते हो, जो कि मैं कह रही हूं यहाँ पे। अक्यूज का गिल्ट जब होता है तो आपको पता है यहाँ पर सिर्फ अक्यूज नहीं होता, यहाँ पर विटनेस भी होता है, यहाँ पर विक्टिम भी होता है, तीनों के तीनों लोग होते हैं। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स की जाती है तो कोई भी स्टेटमेंट जब पुलिस ऑफिसर के सामने होती है तो पुलिस क्या करती है? वो स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करती है। और समझो कि कोई भी फला फला लोग है, वो कह देते हैं कि कोर्ट में, पुलिस के सामने ये बोलते हैं कि सर हम लोग है ना 164 हम देना चाहते हैं, हम कोई स्टेटमेंट है जो वो मैजिस्ट्रेट के सामने करना चाहते हैं एज अ कन्फेशन। तो जब मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है वो कन्फेशन, वो एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होता है कि नहीं? अगर यहाँ पर समझो कि उस्मान ने ऐसे किया, क्या किया उस्मान ने? पुलिस को ये बोला कि सर मुझे ना, मैंने खून किया है, मैंने ये उसको मार डाला, और यही स्टेटमेंट मैं मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना चाहती हूँ देने के लिए। तो क्या करेगा पुलिस वाला? उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होगी। तो जब मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होती है तो अगर उसने बोल दिया कि नहीं मुझे तो पुलिस लेके आई थी ये बोलने के लिए कि मैंने खून किया है, तो क्या वो एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाएगा क्या? ऐसे तो कोई भी बचने के लिए क्या करेगा, कोर्ट के सामने जाके ऐसी स्टेटमेंट दे देगा जिससे वो बच भी जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो हम जब प्ली ऑफ एलिबी हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता कि उज्मा को याद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। क्या यस मैम, है याद। है प्ली ऑफ एलिबी? ये जब हम ऑफेंस हुआ तब हम इस जगह पे नहीं थे। सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 स्पीक्स अबाउट कि हम यहाँ नहीं थे,
तो यहाँ पर कन्फेशन जब रिकॉर्ड होती है, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, तो प्ली ऑफ एलिबी का भी ये लिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सिचुएशन लेके आती हूँ आप लोगों के सामने। अब जब मैजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन, एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, यानी मैजिस्ट्रेट साहब उसे कहते हैं कि आपको कोई जबरदस्ती नहीं है स्टेटमेंट देने की, इट मे बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, इसको बताया जाता है तू स्टेटमेंट देने तो आ गया है लेकिन ये एविडेंस में यूज किया जाएगा वो स्टेटमेंट। लेकिन एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 32 अगर हम देखते हैं, जो कि डीडी है हमारा एविडेंस एक्ट का, डीडी का मतलब है डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 में। अब मरने से पहले मैंने कहा कि उज्मा मुझे जान से मारना चाहती है और मैं डाइंग डिक्लेरेशन देके जाती हूँ कि उज्मा वॉन्ट्स टू किल मी, ठीक है। अब बेचारी उज्मा इतनी पतली थी कि मुझे मार ही नहीं पाई, मैं बच गई। अगर मैं बच गई तो मेरा स्टेटमेंट जो होगा उसका क्या होगा, मैंने अगर उस स्टेटमेंट में 164 में ये जाके कह दिया कि सर मेरे को उज्मा ने मारा था, तो वो क्या हो गया? मैम 164 में तो मरने के बाद आपकी आत्मा थोड़ी आएगी, नहीं मैं बच गई ना, मतलब मैं बच गई ना, मैंने क्या कहा कि तुम इतनी पतली थी मुझे मार ही नहीं पाई ना, मैं बच गई, मेरी आत्मा अटेम्प्ट कैसे, मैं बच मर्डर, गई ना यार, यस अटेम्प्ट, ओके मैम। मैं बच गई ना। तो 164(5) जब आता है ना, इस बात पर अगर हम आगे चलेंगे तो वो एडमिटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोर्ट में आके कहूंगी कि मुझे उज्मा ने मारने की ये की है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, यस मैम, पर उसको सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट डाइंग नहीं किया जा सकता। डिक्लेरेशन पे हम जजमेंट नहीं दे सकते मैम, उसमें हाँ कोई करेक्ट, लेकिन कोरेबोरेशन ना पड़ेगा। कोराबरेशन तो बात की बात है ना, लेकिन उसको जो डिफेंस काउंसिल होगा वो तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना उन चीजों को, ऐसा थोड़ी होगा कि बस मैंने कह दिया बस हो गया। पर किधर ना किधर कोर्ट हैज टू समवेयर गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू मी ना, कि मेरे को मरने से पहले अगर मैंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, मैं मरने गई, मैं मरी नहीं, मैं बच गई, तो कम से कम वो जो स्टेटमेंट है उसको तो एडमिशन तो हो गई ना, वो बात की, वो तो बात की बात है। यस मैम, यस मैम, The magistrate shall record the confession, explain it to the person making it is not bound to make, किसी को भी ऐसा नहीं है कि कन्फेशन देने का ही है, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये कन्फेशन जो है, क्योंकि देखो आप जब कन्फेशन देते हो तो आपको रीड ओवर किया जाता है, आपको पढ़ के सुनाया जाता है, आपको समझाया जाता है, और वो कन्फेशन जब क्वेश्चनिंग होती है उस पर्सन को, तो वो ऐसे बोलना चाहिए कि मैं कन्फेशन जो दे रहा हूं अपने मर्जी से दे रहा हूं, मैं कोई दबाव में नहीं दे रहा, मैं कोई जबरदस्ती में कन्फेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए अब 3 क्या बोलता है, इफ एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट सेड दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, इज नॉट विलिंग, नॉट विलिंग कोई जबरदस्ती थोड़ी है, वो इच्छा नहीं रख रहा है कन्फेशन देने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन अ पुलिस कस्टडी, अगर उसको नहीं देने का है तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलेगा जा मैजिस्ट्रेट, ये बोलेगा कि जाओ उसको जेल में डाल दो, ऐसे थोड़ी होएगा, वो कन्फेशन नहीं देना चाहता है, उसकी मर्जी है ना, इट इज हिज विल एंड विश, और वो कह रहा है कि मेरे को इच्छा नहीं है कन्फेशन देने की मैजिस्ट्रेट को, तो उसको हम लोग ये थोड़ी ड्रैग करके ये थोड़ी कर सकते, नहीं दे अभी तू जा नहीं तो जेल में जा, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नॉट सपोज टू पुट हिम इन द बिहाइंड द बार्स, इज नॉट सपोज टू पुट हिम इन अ जेल, इफ ही इज विलिंग टू गिव कन्फेशन इट इज ओके, इट इज हिज कंसेंट, तो एनी सच कन्फेशन रिकॉर्डेड जो कि सेक्शन 281 में रिकॉर्ड होता है, वो अक्यूज पर्सन का साइन लिया जाता है, यानी कि ये जो भी कन्फेशन लिया गया था इन कैमरा लिया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज मेड इन कैमरा, आप कभी भी कोर्ट में जाओगे ना तो जो बाहर बाबू लोग होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो भी क्लर्क्स होते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे ऐसे दरवाजा बंद है, तो वो बोलते हैं सर किसी को भी पूछा तो 164 का स्टेटमेंट चल रहा है, तो 164 स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड ओनली
किसके सामने? जो अक्यूज होगा उसका लॉयर होगा और मैजिस्ट्रेट साहब होंगे, बाकी एवरीबॉडी सपोज नो अदर लॉयर ऑल्सो कैन स्टैंड। कोई और दूसरा लॉयर भी वहां पे बोल नहीं सकता है कि मैं रुकता हूं ना, मैं तो लॉयर हूं ना। नो, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मीन्स नॉट अलाउड। फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज पर्सन शेल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग कन्फेशन एंड मैजिस्ट्रेट शेल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड इन फॉलोइंग इफेक्ट। यानी कि मेमोरेंडम का मतलब ये होता है, अभी हमने इससे पहले भी हमने कोई तो मेमो स्टडी किया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीआरपीसी में हमने कौन सा मेमो स्टडी किया है और कौन से सेक्शन में किया है। आप में से कोई मुझे बताएगा? अरेस्ट मेमो, अकरंस मेमो, दूसरा अरेस्ट मेमो, अरेस्ट मेमो, वेरी गुड, तीसरा सीजर मेमो, सीजर सीजियर मेमो, मेमो, सीजियर मेमो, करेक्ट। अब ये सब मेमो किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? किस लिए प्रिपेयर की जाते हैं? तो जस्ट जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे चल के उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स आने वाला है, इसीलिए तो वो प्रिपेयर किया जाता है ना। अब जब अक्यूज उसको पकड़ के लेके आते हैं तो उसके गले में चेन होती है ना, रिंग होती है, तो क्या उसका मेमो नहीं बनाया जाता क्या? बिल्कुल बनाया जाता है। उसमें एक एक आर्टिकल को लिखा जाता है, क्योंकि अक्यूज के जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो आके बोलेंगे, वो तो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमारे घर से तो फिर ये गया। तो वो जो भी मेमो होगा उनको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसे ये भी समझाया जाएगा कि भाई तू कन्फेशन करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, वो एविडेंस में यूज हो जाएगा तेरे खिलाफ। और इसको अगर तू वॉलेंटरली दे रहा है, अपने मर्जी से दे रहा है, इट वॉज टेकन इन द प्रेजेंस एंड द हियरिंग वॉज रेड ओवर टू द पर्सन मेकिंग इट एंड एडमिटेड बाय हिम टू बी करेक्ट। यानी कि जब हम एविडेंस, मतलब जब हम एफिडेविट देते ऑन ओथ, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट उसको पढ़ के सुना रहा है, भाई देख तू ऐसे ऐसे बोल रहा है, उसके बाद तू इसके ऊपर साइन करेगा तो देख के तेरे खिलाफ यूज हो जाएगा, अभी भी वक्त है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैं मेरे मर्जी से दे रहा हूँ, उसके बाद में वो रीड ओवर करने के बाद उसको साइन करता है और वो कहता है कि इसमें जो लिखा है वो सच लिखा है, सच के सिवा कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो बात वहां पे ही क्या हो जाती है, 164 स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी हो जाती है। और 164 स्टेटमेंट जब लिया जाता है ना, तो वो मेजरली अंडरस्टैंड करने के लिए कि देखो अभी यहाँ पर मैंने जो 164(5) मैंने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पर अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि मरने से पहले, मर तो नहीं गया सामने वाला, अगर बच जाता है, तो यहाँ पर 164(5) अट्रैक्ट होता है, क्योंकि देखो देखो जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, उसको सेक्शन 164(5) बोला जाता है। एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर डाइंग डिक्लेरेशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे कन्फेशन नहीं कह रही हूं मैं, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। तो एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इज इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव अ पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट सो रिकॉर्डेड। यहाँ पर सीधी सी हिसाब है, ये कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, उसको जो स्टेटमेंट हम 164(5) में दे रहे हैं, इनके समझो जो डिक्लेरेंट है वो बच जाता है, तो उसकी स्टेटमेंट को क्या होगा, एडमिट किया जाएगा। और भले ही वो सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगी, क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट तो किया जाएगा ना, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने दोनों बात समझी थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये दोनों बात मैं आप लोगों को उन सेक्शन रिलेटेड समझा के आई हूँ। विक्टिम हैज गिवन अ स्टेटमेंट, अगर कोई भी विक्टिम स्टेटमेंट देता है तो डिफेंस काउंसिल जो होगा उसको ऐसे ही छोड़ देगा क्या? उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा क्या? ऑफकोर्स करेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्शन करके देन ओनली द ट्रूथ विल सरफेस ना, तभी तो सच्चाई बाहर आएगी ना। अगर ऐसे कोई ऑफेंसेस है जो 354(a)(b)(c)(d) में दिए गए हैं, 76, 76(a),
बी सी डी ई में दिए गए हैं या 509, तो अब ये जो भी है मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर, जो 165 में मैजिस्ट्रेट को क्या करने का है, रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट, और जो कमीशन ऑन ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस, यानी कि इस बात की जानकारी पुलिस को होती है फिर कि ऑफेंस के बारे में जो भी है, एज सून एज वो लोगों को बताया गया है। यहाँ पे प्रोविजो क्या बोलता है, इफ द पर्सन मेकिंग इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, सॉरी फिजिकली डिसेबल्ड, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो कोई इंटरप्रेटेटर का या स्पेशल एडुकेटर का जब उनको लेकर ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाते हैं, देखो उनकी स्टेटमेंट को रिलाय करना इट्स नॉट इजी, पर यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देने आ जाता है जो फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है, तो मैजिस्ट्रेट अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो वो इंटरप्रिटेटर और एडुकेटर की हेल्प से वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, उनकी असिस्टेंस लेता है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो प्रोविजो क्या बोल रहा है, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज अगर है तो स्टेटमेंट जो होगी वो वीडियोग्राफ की जाती है, क्योंकि कौन भरोसा करेगा ना, हो सकता है मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये बात आ जाए कि तुमने उसे जबरदस्ती साइन करा है, वो तो पागल था, उसे तो समझ में नहीं था, वो तो फिजिकली डिसेबल्ड था, तुमने उसको कहा कि ये स्टेटमेंट दे दो और साइन कर लो, तो उसको पर्टिकुलरली वीडियोग्राफ किया जाता है। आपको पता है कभी ऐसे बात होती है कि कभी कभी कुछ चीजों को वो लोग वीडियोग्राफ करके उनका सीडी या पेन ड्राइव बना के एज एन एविडेंस में यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कल को क्या भरोसा। अब जब विल होती है तो विल के टाइम पे समझो द पर्सन इज ऑन द बेड एंड ही कैन नॉट कम टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, तो उसको लेकर क्या करेगा, इफ द पर्टिकुलर रजिस्ट्रार उसके घर पे आता है फॉर द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वॉट इज ही सपोज टू डू, ही सपोज टू मेक अ वीडियोग्राफ दैट हैड कम टू द प्लेस, दिस पर्सन इज बेड रिडन, ही इज आस्किंग टू द विल, डू द विल, ही इज हिज मेंटल स्टेबिलिटी इज फाइन, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा और उसके बाद में उसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज लागू होती है कि जब कोई ऐसा फिजिकल और मेंटली डिसेबल पर्सन आता है तो रिस्क फैक्टर जो होता है मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है, तो वो क्या करता है, इंटरप्रेटेटर स्पेशल एजुकेटर को बुला के वीडियोग्राफ करता है। तो ये स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होती है ए क्लॉज के अंदर, तो क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ में लिया जाता है, जैसे कि हमने देखा है कि चीफ एफिडेविट किसे कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब होता है उसी स्टेटमेंट को उसी तरह से लिया जाता है एज पर द एविडेंस एक्ट, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। तो मैजिस्ट्रेट जब स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है वो फॉरवर्ड करता है टू द मैजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड और ट्राइड इनटू, यानी कि अगर समझो कोई ऐसा मैजिस्ट्रेट है जो कन्फेशन ले रहा है और उसके बाद में इस सेक्शन के अंदर उस मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसको इस केस का ट्रायल करना है, ठीक है, एनी डिफिकल्टी। चल नाउ 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, नाउ व्हाट डू मीन बाय मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी भी किया होगा हमने, है ना, 164A को कौन नहीं पढ़ता होगा, पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, देखो मैं आपको 164A का जिस्ट बताती हूँ, पहले आप जिस्ट समझने की कोशिश करेंगे, ओके, कि मेन ये 164A क्या है। देखो जब 164A की बात आती है तो यहां पर हमको समझ के लेने का है कि जब कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो रेप अटेम्प्ट हुआ है या कमिट हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं, या रेप अटेम्प्ट हुआ है या कमिट हुआ है इस अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि हुआ है क्या हुआ है, मतलब इट्स अ कंफर्मेशन कि अटेम्प्ट हुआ है कि कमिट हुआ है, पहली बात ये बोलता है, तो ये जो वुमेन है जो
जो यहाँ पर वुमेन की बात की जा रही है, तो सच वुमेन में भी एग्जामिन बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट, ये कौन उसको ये करेगा? ये जो वुमेन होगी उसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा फॉर एन एग्जामिनेशन? कहाँ पे भाई, कौन करेगा उसका? बाय मेडिकल एक्सपर्ट। सिविल वो मेडिकल हॉस्पिटल एक्सपर्ट जो होगा एग्जामिनेशन करेगा, और वो मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, और एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयड जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? इन अ हॉस्पिटल रन बाय अ गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक बात। अगर इन केस एनी मेडिकल प्रैक्टिस ना विद द कंसेंट ऑफ वुमेन, उनके एब्सेंस में कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो नहीं है, तो वुमेन से कंसेंट लिया जाता है इस बात का, और इस वुमेन का जो भी मेडिकल हो रहा है, जो भी मतलब ये हो रहा है, उसका विद इन 24 आवर्स में उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर सच मेडिकल प्रैक्टिसर विद इन 24 आवर्स फ्रॉम रिसीविंग इंफॉर्मेशन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस के बारे में, उसका क्या किया जाता है? उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, पहले थोड़ा उसको एग्जामाइन किया जाता है और कपड़े रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो उसमें क्या होगा, उस रिपोर्ट में क्या होगा भाई? नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमेन एंड द पर्सन बाय होम शी वॉज ब्रॉट, यानी कि उसका नाम, उसका एड्रेस, और जो वुमेन उसको लेके आई थी उसका नाम, उसका एज क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में उसके ऊपर मार्क्स क्या है, इंजरी क्या है, यानी वुमेन को कहीं पर ऐसे कोई मार्क्स है क्या, वहां पर ये सब देखा जाएगा। और उसके बाद में डीएनए को भी लेकर यहाँ पर है कि वुमेन का डीएनए किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में जनरल उसकी मेंटल और जो कंडीशन होती है, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को देखा जाता है, और जो भी अदर पर्टिकुलर्स रीजनेबली उनको लगता है वो डिटेल में रहते हैं। और उसके बाद में जो इंजुरी है, अगर कोई भी है, तो उस इंजुरी का मार्क ये किया जाता है, और जनरल जो कि मैंने आपको बता दिया, उन सारे कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए चलो, वहां पर क्या होता है, ये रिपोर्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट एंड द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कब शुरू हुआ उनका एग्जामिनेशन और कब खत्म हुआ, उसका एग्जैक्ट डिटेल देना पड़ता है उनको, और इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाता है आयोग को, और आयोग उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है उस मैजिस्ट्रेट को जिसको ये प्रोवाइड करना रहता है हमको। आया बात समझ में? फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु विल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट, ओके, इतना समझा? यस मैम। इसमें कुछ पीएचडी तो थी नहीं यार, इसमें 164M में तो कोई पीएचडी है ही नहीं। चलो आगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है यस मैम। ना। 165, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई 165 इज वेरी 165 वेरी इंपॉर्टेंट? अब मैंने 164A और B जो है ना उसको मैं बाद में पढ़ाती हूँ आपको। 164A लिया ना मैंने, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब क्या है कि सर्च बाय पुलिस ऑफिसर का मतलब क्या है, कि पुलिस ऑफिसर जाके सर्च करेगा क्या? हाँ, 165 ये कह रहा है क्या पुलिस ऑफिसर जाके सर्च करेगा? यस मैम। मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट ही कैन सर्च? नो मैम, सर्च तो इशू क्या है यहाँ पर? तो वारंट मिल रहे। इज इट नेसेसरी कि उसको वेट करना है सर्च वारंट को लेकर, यानी कि मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेगा या बिना इसके वो सर्च कर सकता है? पहले तो आप समझ के ले लो ये बात कि यहाँ पर जो भी
सर्च वारंट होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वो जगह का जब वो लेते हैं सर्च वारंट, तो अगर टाइम नहीं है तो वारंट इशू किया जाता है, तो समझो वहां पर उन्हें स्पेशल रीजंस को मेंशन करना है राइटिंग में। तो देखो, व्हेनेवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन टू द ऑफेंस विच इज ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट मे बी फाउंड एट एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर इसकी लिमिट को डिस्क्राइब कर दिया गया है। ये कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर को किसी भी पुलिस स्टेशन वाले में ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट करता है और उसे एक रीजनेबल ग्राउंड है, लगता है, उसको एक बिलीव है कि भाई बहुत जरूरी है इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पर जो कि ऐसी जगह है जो कि उसके लिमिट में आती है, उस पुलिस स्टेशन के लिमिट में आती है जहां का वो ऑफिसर इन चार्ज है, ठीक है, टू विच ही इज अटैच टू सच थिंग कैन नॉट बी इन हिज ओपिनियन अदरवाइज ऑब्टेन विदाउट एनी अनड्यू डिले। यानी कि उससे ऐसा कोई चीज जो है जो नेसेसरी है और बरामद होता है, जैसे हम कोई स्पॉट पे जाते हैं तो कोई चीज हमको पता है ना कि अगर यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ समझो ऐसा कुछ आएगा, तो वो स्पॉट पे जाके जो नेसेसरी चीज है उसको अगर बरामद करने का है, मे बी इट इज अ पिक्चर डायलॉग आई एम सेइंग अबाउट बरामद एंड ऑल, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? सच थिंग कैन नॉट बी ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन ऑफ हिज बी आर स्पेसिफिक इन राइटिंग एज फार एज द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड और कॉज सर्च टू बी मेड फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ अ सच स्टेशन। उस पर्टिकुलर प्लेस पे सर्च वारंट के टाइम पर अगर वारंट इशू नहीं किया गया है तो स्पेशल रीजंस को मेंशन करेगा वो ऑफिसर इन राइटिंग, वो स्पेशली वो रीजंस लिखेगा। देखो कभी कभी विदाउट वारंट भी तो आपको पता है ना आयो क्या नाइट में घुस के आता है क्या घर में, आता है, सुना है क्या आयो नाइट में आया है घर में घुस के, आता है क्या बिना सर्च वारंट के? लेकिन हाँ, जब नहीं, 498A का केस होता है, जब पुलिस हस्बैंड सॉरी वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड के खिलाफ फोन करके बताती है कि सर मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने ऐसा करने की कोशिश करी है, तो वो LCP के लेकर आ जाते हैं ना, घर में आती है ना पुलिस, ऐसे थोड़ी है नहीं आती है, तो आयो आते हैं नाइट में, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब जैसे एक पर्टिकुलरली रेप केस हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, सब कोई भी ऑफिसर्स नहीं थे, लेकिन एक कॉल कर दिया गया था और इमीडिएटली वो ऑफिसर्स अपने घर से जाकर वापस आकर दे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया था। आपको पता होगा ये रीसेंट केस है जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एन ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन शल बी प्रैक्टिकेबल कंडक्ट इन द सर्च इन पर्सन। कि अभी सर्च इन पर्सन का मतलब क्या है, वो खुद सर्च करेगा ना, आयो खुद सर्च करेगा ना, लेकिन अगर आयो खुद सर्च नहीं कर पा रहा है तो वो किसे कहेगा सर्च करने के लिए? कोई ऐसा सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है आयो बेच कर क्या कर सकता है, उसे सर्च करवा सकता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग नहीं अवेलेबल है, अगर इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट, वो नहीं कर पा रहा है, कोई पर्सन जो है कॉम्पिटेंट उस पर्सन के लेवल पे जाकर वो कर सकता है, तो ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग द राइटिंग द रीजंस फॉर डूइंग सो रिक्वायर एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। यानी कि वो रीजंस को लिखेगा भाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और सबॉर्डिनेट ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो वो सब क्या करेगा, सर्च करेगा, वो ऐसे पॉसिबल वे में सर्च करेगा जो कि एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपना काम ठीक से करना चाहिए उस जगह पे जाकर, उस प्लेस पे जाकर, उस चीज को लेकर जिन्हें इन्हें सर्च करना है, वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर उस जगह पे जाकर उस चीज का सर्च करेगा, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट एज टू द सर्च वारंट, ये जनरल प्रोविजन हम लोग यहाँ पर कंटेन जो सेक्शन 100 है। अब यहाँ पर देखो 100 के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो व्हाट इज सेक्शन 100, आप में से किसी को ध्यान पे है कि सेक्शन नंबर 100 क्या है भाई? विद इन अ सेकेंड आप लोगों को मुंह से आना चाहिए कि भाई सर्च वारंट से वारंट बाय रिलेटेड ही है। पुलिस 100 पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। हमने यहाँ पर क्लोज प्लेस देखा था, पर्दाशील महिला देखा था, बॉडी पर कुछ विटनेस बनाए जाएंगे, लिस्ट सिग्नेचर की बात की गई थी, फैमिली ऑफ अक्यूज पर्सन को बुलाया जाएगा, याद करो
लिस्ट बनेगी, कॉपी दी जाएगी, उसमें हमने सेक्शन 187 का भी देखा था अगर याद होगा तो, 100 सेक्शन, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिकलेक्ट हुआ रहेगा जो कि मैंने अभी आप लोगों को कहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 100 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल प्रोविजंस जो हम 100 में देख के आए थे वो अप्लाई करेंगे सर्च में। ठीक है, जो कि हमने सेम रूल्स इसमें भी पढ़े थे, 93 सेक्शन में पढ़े थे, 94 में पढ़े थे और 47 में भी पढ़े थे, करेक्ट, 99, 47, तो ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे। जब मैजिस्ट्रेट ऐसे कोई कॉग्निजेंस लेता है तो उसे रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना, तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है तो कॉपीज जो होगी वो अंडर सबसेक्शन 1 और 3 के अंदर, हमने यहाँ पे 1 में क्या देखा, सबसेक्शन 1 में क्या देखा, जो कॉपीज के बारे में हम यहाँ पे रिकॉर्ड के बारे में कह रहे हैं, जो भी चीज बरामद होती है उसको रिकॉर्ड बनाया जाएगा ना। यू रिमेम्बर व्हाट इज अ रिकॉर्ड? कल मैंने रिकॉर्ड को यस डिस्कस मैम, किया था, मैंने रिकॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस भी किया था आप लोगों के सामने। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा ऑफ द ऑफेंस, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस शल एन एन एप्लीकेशन फर्निश अ फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी टू द सेम बाय द मैजिस्ट्रेट, यानी कि वो कॉपी को किसे दिया जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और मैजिस्ट्रेट वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा उस मैटर के अंदर। तो दिस इज व्हाट इज 765, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्च कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा। क्या अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, वो जो नेसेसरी चीज है जिसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, टू इन्वेस्टिगेट में फाउंड इन एनी प्लेस, जो कि उसके लोकल लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन में आता है, पर्टिकुलर प्लेस का सर्च वारंट अगर करना है, टाइम नहीं है तो वारंट इशू करेगा, तो स्पेशल रीजंस उसमें मेंशन करेगा इन राइटिंग, खुद नहीं जा सकता तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा, सबॉर्डिनेट ऑफिसर क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। और इसके प्रोविजंस हमने कहाँ पढ़े, 100 में पढ़े, और कहाँ देखे, मैंने आपको सेक्शंस बता दिया। उसके बाद में जो रिकॉर्ड होएगा उसका हमने 1 और 3 में जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसे भेजा जाएगा, और जो ओनर होगा ऑक्यूपायर होगा उस प्लेस का जहां पे सर्च हुई है, और उसको जो एप्लीकेशन भी फर्निश, उसके बाद में वो एप्लीकेशन दी जाएगी और उसे वो कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी ऑफ द सेम बाय द मैजिस्ट्रेट, यानी ये कॉपी जो देगा वो मैजिस्ट्रेट देगा उस पर्सन को जो कि ओनर होगा, उस पर्सन को जो ऑक्यूपायर होगा, कहाँ का, जहां पर ये सर्च हुई थी। ठीक है, आ रहा है समझ में या कंफ्यूजन है? मैम आ रहा मैम ये जो है इमरजेंसी प्रोविजन है, आवाज ही नहीं आ रही। चलिए 166 पे आते हैं। अब ये जो 166 है ना, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, अभी यहाँ का मतलब क्या होता है कि ये एक पुलिस स्टेशन की बात नहीं की जा रही है, ये पुलिस स्टेशन जो है ये इनका तो है ही नहीं, ये दूसरे पुलिस स्टेशन की बात हो रही है जो इनके ज्यूरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। सर्च करना है मेरे ज्यूरिस्डिक्शन मतलब पूना में सर्च करना है, लेकिन दिल्ली वाले आके सर्च करने लगे, तो ऐसा क्या परमिशन है क्या कि कौन से भी अनदर ज्यूरिस्डिक्शन में जाकर वो जो इंस्पेक्टर होता है उस ज्यूरिस्डिक्शन में जाकर सर्च कर सकता है? तो यहाँ पर दूसरे को सर्च वारंट इशू किया गया है, दूसरी पुलिस स्टेशन है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अभी सर्च वारंट कौन कर सकता है, कोई कॉन्स्टेबल सर्च वारंट नहीं कर सकता, कोई कॉन्स्टेबल को ये अथॉरिटी नहीं है कि तू जाके सर्च करके आ। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन
रिक्वायर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो ऑफिसर इन चार्ज दूसरे पुलिस स्टेशन का है, वेदर द सेम और अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट भी सेम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट भी अलग हो, या सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। टू कॉज अ सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस, कहीं पे भी कहा जा सकता है, इन एनी केस इन विच द फॉर्मर ऑफिसर माइट कॉज सच सर्च टू बी मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स ओन स्टेशन। तो यहाँ पर वो अपने, देखो रिक्वेस्ट तो भेजी जाएगी ना, अगर अनदर पुलिस स्टेशन का कुछ ये करना है तो सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अब हमें अगर कोई इंडिया से बाहर काम करना होता है तो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इंडिया का, इंडिया में काम कर रहा है, भले ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, भले ही सेम डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर ऐसी बात है तो सच ऑफिसर जो होगा, बीइंग रिक्वायर्ड शल प्रोसीड अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ 165। जैसे कि हम 165 में देख के आए, आपने देखा 165 का वन क्या है, 165 का वन क्या है, आपने देखा ऑलरेडी। इन्वेस्टिगेट में फाउंड इन एनी प्लेस, अगर इन्वेस्टिगेशन करना है किसी भी जगह पर, है ना, तो 165 अगर विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं, विदाउट वारंट भी सर्च कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी सर्च मारना है तो सर्च वारंट के लिए इन राइटिंग में उनको ये निकालना है, तो सच ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू 165 एंड शल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड इफ एनी टू द ऑफिसर। और अगर उनमें से कुछ चीज बरामद होती है तो वो उन्हें फॉरवर्ड करनी है उस ऑफिसर को, जिस ऑफिसर को वो सर्च, यानी कि ए और बी दो पुलिस स्टेशन है, ए और बी अगर दो पुलिस स्टेशन है और ए वाला ऑफिसर अगर उसके जुरिस्डिक्शन में जाके ये सब करता है, जुरिस्डिक्शन सर्च नहीं कर रहा है ना, मतलब देखो कि मेरा जो जुरिस्डिक्शन है वहां पे मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर उस हिसाब से काम कर रही हूँ, तो अगर समझो टाइम नहीं था मुझे उस पुलिस स्टेशन से ये करने के बाद, तो मैं क्या करूंगी, वो सर्च रिपोर्ट जो भी पुलिस ऑफिसर बनाएगा उसका रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका रिपोर्ट बनाया जाएगा, क्योंकि मेरे जुरिस्डिक्शन में तो है नहीं, लेकिन अगर मैं उस जुरिस्डिक्शन में घुसती हूँ और वहां पे अगर कुछ भी करती हूँ तो उसका मैं रिपोर्ट बना के लेके आऊंगी और उस पुलिस स्टेशन को सर्च का जो भी था उसको सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दैट, मेरी अथॉरिटी नहीं है वहां पे कुछ भी करने की। ठीक है, तो वेन एवर देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट डिले ओकेशन रिगार्डिंग इन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन टू कॉज अ सर्च टू बी मेड इन सबसेक्शन 1 माइट रिजल्ट इन एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बीइंग कंसील्ड और डिस्ट्रॉयड शैल बी लॉफुल फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन सच एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर टू सर्च और कॉज टू बी सर्च एनी प्लेस द लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165 एज ए प्लेस वर विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स ओन पुलिस स्टेशन। मैंने आपको क्लियर कट इससे पहले ही बता दिया कि अगर ए और बी पुलिस स्टेशन है और मुझे ए पुलिस स्टेशन में, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर हूँ, एक नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर हूँ, और मैं उजमा की पुलिस एरिया में घुस के वहां पर किसी में भी किसी ऐसी जगह पे सर्च करने जाती हूँ विदाउट इन्फॉर्मिंग उजमा, उसमें को इन्फॉर्म नहीं करती हूँ, और मैं उस सर्च करने के लिए उस प्लेस पे घुस जाती हूँ जो कि मेरे जुरिस्डिक्शन में आती नहीं, मेरी हद ही नहीं है, फिर क्या मैं करूंगी कि एज अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सर्च मैं उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करूंगी, और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद में मैं उजमा को वो रिपोर्ट सबमिट करूंगी कि आई विदाउट इन योर परमिशन आई हैव एंटर्ड इनटू द जुरिस्डिक्शन ऑफ योर प्लेस, मैंने यहाँ पे सर्च करी है, और उसका रिपोर्ट जो भी प्रिपेयर किया जाएगा मैं उसमें को हैंड ओवर करके आ जाऊंगी, पर मैं सर्च वैसे ही करूंगी जैसे कि मेरे एरिया में कर रही हूँ, जैसे कि मेरे जुरिस्डिक्शन में कर रही हूँ। ठीक है, एनी ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च अंडर सेक्शन 1 सॉरी अंडर सब सेक्शन 3 शेल फॉरवर्ड इमीडिएटली सेंड अ नोटिस टू अ सर्च ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ अ प्लेस एंड शैल ऑल्सो सेंड विथ सच नोटिस अ कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर अंडर सेक्शन 100 एंड ऑल्सो सेंड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस
कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड रेफर टू सबसेक्शन 1 एंड 3 ऑफ 165, यानी कि हो सकता है अक्यूज यहाँ से भाग जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली सर्च करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है ना, आपको इन्फॉर्मेशन आती है, आप सीधा गाड़ी लेते हो, वहां पे निकलते हो सर्च करने के लिए, हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है कि उस ऑफिसर को जाके सर्च करना पड़ता है, और फिर वो जो भी रिकवरी करता है, जो भी चीजों की रिकवरी करता है, तो उसका जो नोटिस होता है, उसकी जो लिस्ट प्रिपेयर करता है, उससे वो कॉपी जो है वो किसी भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को देना पड़ता है। तो वो ओनर और ऑक्यूपायर होता है अगर उस जगह का, तो उसे वो ही मैजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट उस कॉपी को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया 166? एनी डिफिकल्टी? मैम हाँ। मैम 4 और 5 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। उसमें आपकी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज टाइप करो यहाँ तो। मैम कीवर्ड बोलने के लिए सेकंड फोर का कीवर्ड सबसे फाइव 166 का कीवर्ड पूछ रही है। का सबसे फोर का सबसे फाइव का कीवर्ड। अच्छा, ओके। 165 का अगर आप कीवर्ड लिखते हो तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सेकंड में लिखते हो 165 विदाउट वारंट सर्च, थर्ड में लिखते हो ज्यूरिस्डिक्शन सर्च, फोर्थ में लिखते हो अक्यूज में रन, माइट बी अक्यूज रन अवे, एंड द लिस्ट प्रिपेयर्ड इज टू बी सबमिटेड बाय द मैजिस्ट्रेट टू द ऑक्यूपायर और द ओनर। 165 में आओ। 165 में लिखो इन्वेस्टिगेशन मे बी फाउंड इन एनी प्लेस, इन्वेस्टिगेट मे बी फाउंड इन एनी प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, सबॉर्डिनेट ऑफिसर, पर्टिकुलर प्लेस, सबॉर्डिनेट ऑफिसर, सेक्शन 100, कॉपीज टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ कॉपीज टू द फ्री ऑफ कॉस्ट टू ओनर एंड ऑक्यूपायर। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड ओवर करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके मैम। जी मैम, इसकी समझ अच्छी नहीं है। हाँ।